नमस्ते छात्रों, कक्षा आठवीं विषय हिंदी संयुक्त। फिर से दोहरा रही हूँ, विषय हिंदी संयुक्त। जिन छात्रों का संस्कृत यह विषय होगा उनके लिए हम आधा संयुक्त हिंदी रखते हैं, तो उन्हीं छात्रों के लिए आज की यह वीडियो पेश की जा रही है। तो छात्रों, विषय हिंदी संयुक्त पहली इकाई के अंतर्गत आज हम पहला घटक देखेंगे जो है पद्य, और इस पद्य का नाम है हृदय का उजाला। और इस हृदय का उजाला कविता की जानकारी आज हम लेंगे। इस कविता के कवि है रमाकांत यादव जी। रमाकांत यादव जी हिंदी के सजग रचनाकार हैं। राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से इनकी कविताएं भरी हुई होती है। इनकी कई कृतियां प्रसिद्ध है, जैसे हृदय का उजाला, अपनापन, ये जीवन कब तक रहेगा, ऐसी कई कृतियां इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। तो छात्रों, अब यह हुआ कवि का परिचय। अब हम पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। आज हम देखते हैं कि समाज में विषमता छाई हुई है। एक ओर गरीबी और अभावग्रस्त जीवन से परिपूर्ण लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, और एक ओर लोग अपने दिखावे के लिए, अपनी सजावट के लिए तीज और त्योहारों पर, उत्सवों पर फिजूल खर्च कर रहे हैं। तो कवि का मानना है कि जो लोग सजावट में, दिखावे में, तीज त्योहारों पर दिखावा करने के लिए केवल फिजूल खर्च करते हैं, उन लोगों ने इस फिजूल खर्च के बजाय उन्होंने गरीबों के लिए, कुछ दीन दुखियों के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए। भूखे पेट को भोजन देना है, खुले वस्त्र को, खुले तन को वस्त्र देना है, और दीन दुखियों की सेवा यही तो श्रेष्ठ कर्म माना गया है, क्योंकि मानव ही मानव के काम आता है। यदि हम ऐसे अभावग्रस्त लोगों की सेवा करेंगे तो यही हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा, यह कवि का मानना है। तो आज कविता के माध्यम से हम यही देखेंगे कि कवि ने कहा है कि हमें दीप जैसा बनना है, तो दीप जैसा बनकर हम क्या कर सकते हैं, यह हम कविता के माध्यम से देखेंगे। तो छात्रों, पहले हम कविता का गायन पाठ्यपुस्तक के माध्यम से करेंगे, अब हम पाठ्यपुस्तक की ओर देखेंगे। छात्रों, आपके सामने नजर आ रहा है कविता का नाम हृदय का उजाला का गायन, अब हम करेंगे। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सोनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फूल झड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम
दीप स्नेह भर भर अपने दिलों के दीप तो जलाओ। छात्रों, इस प्रकार हमने कविता का गायन किया है। आपको भी इसी प्रकार कविता का गायन करना है ताकि हमें कविता अच्छी तरह से याद हो जाती है। अब हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझ में लेंगे। कविता की पहली पंक्तियाँ देखो। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। छात्रों, यहाँ दीप का मतलब दीपक होता है, स्नेह का मतलब प्रेम होता है, लेकिन यहाँ हम अर्थ लेंगे तेल। अब देखो, कवि का मानना है कि हम दीप जलाते हैं। इन दीपों को बड़े ही प्यार से हम त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर अपने घरों में जलाते हैं। दीपों को जलाकर हम खुशियाँ मनाते और कवि उनसे ही कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियो में तेल भरकर दीप जलाकर इस तरह खुशियाँ क्यों मनाते हो? तुम लोग अपने घरों को उजाले से इस तरह क्यों सजाते हो? अगर जलाना है तो अपने हृदय के दीप को जलाओ जहाँ अंधेरा छाया हुआ है। अपने हृदय में उजाला फैलाओ जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा दूर हो जाए। और छात्रों, हमें यही करना है, अपने हृदय के दीप को जलाना है, अपने हृदय पर पड़ा हुआ जो अंधेरा है उसे दूर करना है। क्योंकि आपको पहले ही बताया मैंने कि लोग त्योहारों और उत्सवों में इतनी सजावट करते, पानी की तरह पैसा बहाते, खुशियाँ मनाते, लेकिन एक तरफ जहाँ पर गरीबी और लाचारी से लोग लड़ रहे हैं, किसी प्रकार अपने दिन काट रहे, उनके दुख दर्द में हमें शामिल होना है, उनकी आर्थिक और भावनिक मदद हमें करनी है। आगे, कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ अपने दिलों के दीप तो जलाओ। हमारे समाज में असमानता है, विषमता है, एक तरफ अमीर लोग हैं तो एक तरफ गरीब लोग हैं। ये फर्क हमारे समाज में नजर आता है। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है तो कहीं उदासी का साया छाया हुआ है। कहीं लोग खुशियों से झूम रहे हैं तो एक तरफ केवल दुखी लोग नजर आ रहे जिन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे लोग एक तरफ नजर आ रहे। गांव, कस्बा, शहर में फुटपाथ के किनारे हमें ऐसे गरीब लोग नजर आते जो खुले तन से घूमते, भूखे पेट घूम रहे हैं। एक वक्त का खाना जिन्हें नसीब हो जाए तो ये अपनी खुशनसीबी मानते। तो इसलिए कवि कहते कि एक तरफ तो बड़ी खुशी आए, दिवाली मनाई जा रही है, धूम धड़ाके से दिवालियां मना रहे हैं लोग, लेकिन एक तरफ सुनापन है, उदासी का साया छाया हुआ है, एक तरफ दुखी लोग है, गरीबी और लाचारी से दिन काट रहे। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें जाकर इन गरीब लोगों के दुख को मिटाना है, इन लाचार व्यक्तियों के बारे में हमें सोचना है, उनके दुख दूर करने के बारे में हमें कुछ तो कर्म करना है। आगे, न फुलझड़ियां चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ अपने दिलों का दीप तो जलाओ। दिवाली आई, दिवाली में तरह तरह के नए कपड़े खरीदे, नए कपड़े तो खरीदे किए, तरह तरह की नई चीजें ले ली, कई पकवान बना लिए, कई पटाखे ले लिए। पटाखे फोड़ने से कितनी तरह की हानियां होती है, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, पटाखे से कई तरह के छोटे छोटे जीव जंतु जगह पर मारे जाते हैं, और पटाखे फोड़ने से पैसों की भी नुकसानी होती है। तो देखो, इतनी हानियां जब एक चीज से है तो कोई जरूरत नहीं हमें पटाखे फोड़ने की। कवि कहते हैं कि दिवाली आई, त्योहार आए, त्योहारों पर सजावट कर दी, तड़क फड़क के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। पटाखे फोड़कर खुशियां मनाने से हमें कोई आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन एक तरफ जो भूखे पैसे लोग हैं उन लोगों के बारे में हमें सोचना है। हमें केवल हमारे आनंद की प्राप्ति का विचार हमें नहीं करना है, जो भूखे पैसे लोग हैं उनकी शुद्धापूर्ति हमें करना है। भोजन नहीं जिनके
दे आओ जाके, जाओ जिन्हें खाना नहीं मिल रहा उन्हें हमें भोजन देने का काम करना है। उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सांत्वना हमें देनी चाहिए। उनके जख्मों पर मलहम लगाना मतलब दुख दर्द में शामिल होना है और उन्हें सांत्वना हमें देनी चाहिए। आगे, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तुमने दीपक जलाया, दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो गया, क्योंकि दीपक का कार्य ही होता है अंधेरा दूर करना। लेकिन क्या तुमने कभी किसी भूखे को भोजन कराने का काम किया है? घर में रोशनी कर दी, सजावट कर दी, अंधेरा दूर कर दिया, दीप जलाने से अंधेरा तो दूर हो गया, लेकिन सोचो क्या मन में कभी ये बात आई है कि हम आज जाकर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दे दें या किसी असहाय की मदद कर दें? जाओ, जिनके जीवन में जिन्होंने आशा की किरण कभी जागृत नहीं होगी ये उमंग ही छोड़ दिए। ऐसे उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने उजालों की कामना ही छोड़ दिए। ऐसे असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लो और उनकी शुद्धा पूर्ति का प्रयास करो। उन्हें रोटी तो जाकर खिला सकते हैं। तरह तरह के शौक हम करते हैं, लेकिन कई हमने ऐसा सोचा है कि हमारे फिजूल खर्ची से पैसे बचाकर हम भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे असहाय लोगों की मदद करने का कोई ना कोई प्रबंध अवश्य करना है। आगे, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। स्नेहक का मतलब है मरहम, अनगिन का मतलब है असंख्य, जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसा अनगिन। तो एक दीपक केवल काफी होता है अंधेरा दूर करने के लिए। एक दीपक काफी है अंधेरा दूर करने के लिए, चाहे आप कितने भी दीप जलाओ। दीप से रोशनी होगी ये तो सही है, लेकिन एक दीपक भी रोशनी कर सकता है और असंख्य दीपक भी रोशनी कर सकते। तो ठीक है ना, एक ही दीपक हम जलाएंगे। क्या असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर आ जाएगा आपके? नहीं, व्यर्थ का दिखावा करने के लिए हम असंख्य दीप जलाते हैं। उनके बारे में सोचो जो हर तरह से ठुकराए हुए हैं, नसीब के ठुकराए हुए हैं, समाज के ठुकराए हुए हैं, जो साधनहीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में हमें सोचना है। दिन रात लड़ रहे हैं, एक वक्त भोजन के लिए लड़ रहे हैं। एक अच्छी पंक्ति मेरे पढ़ने में आई थी। एक दीन बालक एक डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर, कोई ऐसी दवाई है कि जिससे कभी भूख न लगे? तो डॉक्टर ने कहा, ऐसी तो कोई दवाई नहीं जिससे कभी भूख नहीं लगती। तो सोचो कि उन लोगों पर क्या बीतती है, कैसे समय निकालते हैं अपना, कैसे दिन बिता रहे हैं। उन लोगों से जाकर पूछो, सचमुच जो साधनहीन है, जो निराशा से जकड़े हुए हैं, जिनके जीवन में कोई आशा की किरण नजर नहीं आती, उनके दुख दर्द में शामिल होना है, उन्हें सांत्वना देने का काम हमें करना है। आगे, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ऐसे लोग हैं बुझे दिल में, मतलब मैंने पहले ही कहा कि जिनके दिल में आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, जो निराशा से जकड़े हुए हैं, जो उदासी की गिरफ्त में है, जिनके ऊपर उदासी का साया छाया है, ऐसे लोगों के दिल में ज्योति हमें जलाना है, मतलब प्रकाश की किरण हमें पहुंचाने का कार्य करना है, उनमें चेतना जगाने का कार्य हमें करना है। इसलिए हमें पहले अपने हृदय में पड़ा अंधेरा दूर करना है, हृदय में उजाला लाना है, ताकि हम उनकी सहायता कर सकेंगे। हमें अनावश्यक कार्यों में पैसा बर्बाद करने की जगह भूखे पेट को भोजन देना है। इस प्रकार हम असहाय दीन दुखियों की सेवा करेंगे। यह संदेश कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दिया है। तो छात्रों, कविता आपको समझ चुकी होगी। धन्यवाद।